सो नाउ वी डिस्कस हियर सम मोर क्वेश्चंस, ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, द जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग कनेक्टेड इन पैरेलल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट समझना है कि लॉजिक क्या है इसका, ठीक है। कैलकुलेशंस थोड़ी सी, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे बता दें आपको कि जो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, नियर बाय द मिनिमम रेजिस्टेंस जो होता है जो है नंबर में, उसके आसपास आती है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे आ रही है। यहाँ पे वन आर पी यानी वन पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, इसको आर वन ले लिया, इसको आर टू ले लिया, ठीक है। दोनों का एलसीएम लिया, टेन ओवर सिक्स, टेन ओवर सिक्स प्लस वन, ठीक है ना। रिवर्स किया नंबर को, तो रिवर्स करेंगे, टेन ओवर सिक्स ऊपर आ गया, टेन ओवर सिक्स प्लस में नीचे आ गया। अब इतना बड़ा नंबर है, इसमें वन ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली डिनोमिनेटर क्या लिख दिया, टेन ओवर सिक्स, दोनों सेम सेम है, कैंसिल आउट हो गए वन के आसपास। देखिए छोटा रेजिस्टेंस क्या था, वन, बड़ा रेजिस्टेंस क्या था, टेन ओवर सिक्स। तो जो इसका टोटल आ रहा है वो वन के आसपास आ रहा है, तो पैरेलल रेजिस्टेंसेज क्या होते हैं, डाउन हो जाते हैं हमारे, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं तीन को, वन, टेन ओवर थ्री, टेन ओवर सिक्स को, ठीक है। वही फॉर्मूला, वन अपॉन आर पी, वन अपॉन वन, वन अपॉन टेन ओवर थ्री, वन अपॉन टेन ओवर सिक्स, ठीक है। एलसीएम ले लिया हमने, और एलसीएम लिया तो यहाँ पे टेन ओवर सिक्स प्लस टेन ओवर थ्री प्लस वन, ठीक है। इसको रिवर्स रिवर्स करेंगे अभी, इसको पहले चेकआउट कर लेते हैं क्या क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं। टेन ओवर सिक्स को ब्रेक कर लो, 1000 इंटू टेन टू ओवर थ्री, ठीक है। तीन पावर पहले लिख ली, टेन ओवर थ्री बाद में लिख लिया, प्लस टेन ओवर थ्री प्लस वन, है ना। कॉमन ले रहे हैं कुछ ऊपर से, टेन ओवर थ्री कॉमन हो जाएगा, 1000 प्लस वन प्लस वन, ठीक है। ये प्लस वन अलग है, ये इसके साथ है। सो वन अपन आर पी हो गया, टेन ओवर थ्री, 1000 प्लस वन एंड ब्रैकेट प्लस वन, ठीक है। टेन ओवर सिक्स डिनोमिनेटर, आर पैरेलल कितना आ जाएगा, रिवर्स करेंगे, टेन ओवर सिक्स हो गया, 1000 वन हो गया ये पूरा नंबर, ठीक है, इंटू टेन ओवर थ्री प्लस वन। अब इतने बड़े नंबर में एक को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, टेन टू ओवर सिक्स डिवाइड बाई टेन टू ओवर थ्री इंटू 1000 वन। सॉल्व किया हमने तो आर पैरेलल की वैल्यू 0.998 के आसपास आ रही है, ये देखो वन से भी कम आने लगी। जब इतने नंबर बड़े ऐड आप करोगे पैरेलल के केस में, ठीक है, पैरेलल में सॉल्व करोगे तो नंबर क्या हो जाएगा, मिनिमम से भी कम चला जाएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे इसके नेट पे, है ना। बट जो एक्चुअलिटी है, जिस तरह से इसको सॉल्व किया गया है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है ना। देखिए, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में तीनों कनेक्ट हैं टू 220 वोल्ट सोर्स, 220 वोल्ट से भी कनेक्ट हैं वो। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस पता करना है, कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, यानी 220 वोल्ट से हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं बाद में, दैट टेक्स एज मच करंट, इस चीज़ को नोट करना पड़ेगा, एज मच करंट एज ऑल दीज अप्लायंसेस, ओके, एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। तो देखिए सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये तीन रेजिस्टेंसेज हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, अलग अलग जो हमने डिवाइस ऊपर ले रखी हैं। एक 100 ओम का है जो कि लैम्प है, एक हमारा 50 ओम का है जो कि हमारा टोस्टर है, एक हमारा वाटर फिल्टर जो 500 का है, ठीक है। तीनों क्या पैरेलल में कनेक्टेड हैं और वो तीनों के तीनों एक पावर सप्लाई से जुड़े हुए हैं जो कि 220 वोल्ट की पावर सप्लाई है, ठीक है। ओके, ऐसे नॉर्मल डायग्राम बना लेते हैं, तो 220 वोल्ट। अब इन तीनों को हम पहले पैरेलल में सॉल्व करेंगे, फिर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। पैरेलल में सॉल्व कर लेते हैं तो 1 अपॉन आर पैरेलल हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 100, ठीक है, 1 अपॉन 50 है ना, प्लस 1 अपॉन 500। ओके, सॉल्व करेंगे तो 500 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 5, 10, 10, ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि 16 हो गया ऊपर, ये 500 हो गया, है ना। तो R पैरेलल कितना आ गया, रिवर्स कर देते हैं तो 500 अपॉन 16, R पैरेलल कितना आ गया, 500 अपॉन 16, ओके, अप्रॉक्सीमेटली 31.25 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा हो गया। अब इसको इक्विवेलेंट सर्किट में हम इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया, 31.25 है ना, और 220 वोल्ट। ओके, सो यहाँ पे जो है करंट कुछ पास हो रही होगी। अब करंट कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से करंट निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर, यानी 220 डिवाइड बाई 31.25 एम्पीयर। इसको भी ऐसे रहने देते हैं, इसको आगे यूज़ करेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसको ध्यान से सुनते हैं। अब कह रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, यानी 220 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल दीज अप्लायंसेस। मतलब जो तीन अप्लायंसेस हमने ऊपर लगाए थे उनसे ज़्यादा करंट ले रहा है ये, कौन, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है ना।
अब कितनी ज़्यादा ले रहा है हमको नहीं पता है, करें कैसे? तो देखिए, ज़्यादा ले रहा है उनसे तो एटलीस्ट उतनी तो ले ही रहा होगा जितनी वो तीनों विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना? तो एटलीस्ट को हम लेके यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है ना, कि कम से कम कितनी करंट को विड्रॉ कर रहा है वो, ठीक है? तो अगर मैं एक सर्किट को बनाऊँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये 220 सॉरी ये 220 वोल्ट की सप्लाई हो गई और इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा दिया है, 220 वोल्ट की सप्लाई है, इसको आर मान लेते हैं। तो जो करंट है वो एटलीस्ट इतनी करंट जा रही है, ठीक है? कितनी? 220/3, 31.25। तो यहाँ से हम इसको यूज़ करेंगे तो आर निकाल सकते हैं, आर क्या हो जाएगा? बी अपॉन आई, 220 वोल्ट, ठीक है? और आई कितना हो जाएगा? 220/31.25। रिवर्स करें इसको तो ये जाएगा 220/220 × ऊपर चला जाएगा 31.25, कैंसिल आउट हो गया, तो कितना रेजिस्टेंस आ गया हमारा? 31.25 ओम, ठीक है? ये अकेले उस आयरन का रेजिस्टेंस आया है, इलेक्ट्रिक आयरन जो हमने लगाई है। करंट कितनी जा रही होगी? एटलीस्ट इतनी करंट जा रही होगी उससे, उससे ज़्यादा जा रही होगी उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट इतनी जा रही होगी, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक आयरन से कितनी करंट है, ठीक है, इतनी करंट, और रेजिस्टेंस कितना है? 31.25। तो इसको अगर मैं सॉल्व करके यहाँ पे रखूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास आई की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है ना, 7.04। आप कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है? तो मुद्दा कैलकुलेशन नहीं, मुद्दा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एटलीस्ट लेके हम उसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें मच करंट का तो पता ही नहीं है, ठीक है? रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा? 31.25, जो कि इन तीनों कॉम्बिनेशन है, और करंट आ गई 7.04 एम्पियर, ठीक है? तो इस तरह से इसका सोल्यूशन यहाँ बनता है, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।